देव के धूल भरे कच्चे रास्ते पर किशोर बालक को नंगे पांव भागता देखकर गाड़ी उसके पास रुक गई। ड्राइवर ने शीशा गिराकर बच्चे से पूछा, ए लड़के, ये रास्ता मंदिर को जाएगा? बालक ने हाँ कहा या ना पता ही न चला और वह अपने रास्ते पर बढ़ चला। चलते चलते उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे दो संभ्रांत जनों की बातचीत सुनाई दी। कौन था वो बच्चा? कामता बाबू का बेटा था शायद। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र का बराद। बर्फ का टुकड़ा दांतों के बीच आकर जैसे झिनझिनी पैदा कर देता है, दोनों की बात सुनकर बच्चे के पूरे शरीर में वैसी ही झिनझिनी खौंध पड़ी। इसके बाद वह बालक मानो अंतर्धान हो गया। गांव के हरेक घर में खोज चली पर वह कहीं नहीं मिला। पोखरे पर भी देख लिया गया पर वह वहां भी नहीं था। ब्रह्म बाबा, देवी स्थान, सब तरफ लोग दौड़ा दिए गए पर कहीं वह होता तभी तो मिलता। कांता प्रसाद सिंह जी ने बिहार के छोटे से गांव भवानीपुर से निकलकर लाहौर विश्वविद्यालय से हिंदी की पढ़ाई की थी। बिहार के बड़े लेखकों में उनकी गिनती थी और रेडियो पर उनके आलेख बड़े चाव से सुने जाते थे। साहित्य जगत उन्हें काम जी के नाम से जानता था। पूरा नाम लिखते थे कांता प्रसाद सिंह काम। उन्हीं का बड़ा लड़का था वह। प्यार से सभी उसे बाबू बुलाते। पिता स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक थे और अक्सर जेल में होते या फिर पुलिस से छिपन छिपाई चल रही। बालक किशोर वय तक पहुंच गया पर कभी स्कूल नहीं गया था। घर पर ही एक गुरुजी आते थे जिन्होंने उसे अक्षर ज्ञान दिया था। घर में ही पिता की अपनी लाइब्रेरी थी, ढेरों किताबें थी उसमें, पर उनमें उनके अलावा शायद ही कोई जाता था। हाँ, हफ्ते में दो बार सफाई के बहाने वह कमरा जरूर खुलता था पर इस बार खुलने को हुआ तो खुला ही नहीं। दाई को लगा शायद पिछली बार बंद करने में उससे भूल हो गई हो और छिटकनी गलती से लग गई हो हीटर से। उसने जोर आजमाइश करके देखा पर दरवाजा अपने आप बंद नहीं हुआ था बल्कि किया गया था, सो खुलता कैसे? घर भर का पहला शक भूत पर गया, वही ऐसा कर सकता है। किसी सयाने बुजुर्ग ने पूछा, देखो कहीं इसमें बाबू तो बंद नहीं? अरे बाबू? उसे खोजते खोजते तो सभी थक चुके थे, उसके लिए रोते रोते आंखें पथराने लगी। ठीक कह रहे हैं बाबा, भीतर जरूर बाबू ही होगा, कौन जाने भूत ने उसे यहां कैद कर रखा। बड़ा ही मजाक उड़ाया करता था वह भूतों का। एक बार तो उसने हद ही कर दी थी। रात में पीपल के पेड़ पर जा चढ़ा और भोर होने के पहले जब गांव की औरतें दिशा मैदान के लिए उधर से निकली तो वह उनके सामने धम्म से कूद गया था। औरतों का तो डर के मारे बुरा हाल था, सभी बेतहाशा भागी। बाबू ने ही आवाज देकर उन्हें रोका, अगे चाची, अगे फुआ, भूत कुछ नहीं होता है, मन का डर है यार। लो अब कर लो, भूत तो होता ही है। और भूत ने ही जकड़ रखा है बाबू को कमरे के भीतर। बेतहाशा दरवाजा पीटा जाने लगा तो भीतर से छिटकनी खड़कने की आवाज सुनाई पड़ी। लोग कुछ और सहम गए। भीतर से बाबू निकला, नींद से बोझिल लाल लाल आंखें, गोरा चेहरा, थकान से कुम्हलाया हुआ, बेतरतीब हो चले काले घुंघराले बाल। लोगों ने कमरे के भीतर नजरें दौड़ाई तो टेबल पर ढेरों किताबें बिखरी पड़ी दिखी। रामायण महाभारत से लेकर बर्तन रसल तक का साहित्य, कुछ खुली कुछ अध खुली। लोगों की आंखें खोली की खोली रह गई।
क्या बाबू इन किताबों को ही पढ़ता रहा था 3 दिनों तक? क्या उसे भूख प्यास भी नहीं लगी? किस भी मां थी नहीं, दादी थी जो उससे बेहद प्यार करती थी, अनेक बुआ थी जिनका वह लाडला दुलारा था। दादी ने बेटियों से कहा, जाओ भागकर दूध गर्म कर ले आओ, और खुद घड़ी की ओर दौड़ पड़ी गिलास में पानी भरने को। पर बाबू को तो अब भी पेट की परवाह थी ही नहीं। कमरे से निकलकर उसने पानी नहीं मांगा, खाना नहीं चाहा, केवल यही कहा, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है। उसने पढ़ने की जिद ही पकड़ ली, और जब तक उसे इसका भरोसा नहीं दिला दिया गया, उसने न तो अन्न को हाथ लगाया और न जल को, पढ़ाई का भूत जो उस पर सवार था। इस बार पिता घर लौटे तो वह उनके साथ ही बनारस जा पहुंचा और वहां के राजघाट एनी बेसेंट स्कूल में अपना नाम लिखवाया। वहां से इंटर करने के बाद वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जा पहुंचा। पढ़ाई में मन ऐसा रमा कि उसने पटना विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई भी पूरी की और कानून की भी, हालांकि मन उसका लेखन में ही लगा। हिंदी जगत को उसने 50 से अधिक पुस्तकें दी, हिंदी साहित्य को निर्बंध निबंध की एक नई शैली दी। इन पुस्तकों पर रिसर्च करके कईयों ने पीएचडी की उपाधि पाई। जिस सड़क पर वह बालक कभी नंगे पांव आवारा घूमता फिरता था, उसका नाम बिहार सरकार ने अब बालक के नाम पर ही रख दिया है, डॉक्टर शंकर दयाल सिंह।